हमारे बिल्कुल पहलू में, हमारा जो ईस्टर्न हमसाया है। इंडिया ने अमेरिकी डिप्लोमेट को समन किया है। अमेरिका के एक्टिंग डेप्यूटी चीफ ऑफ मिशन तलब किए गए। 40 मिनट बुला के ग्लोरिया बर्बेनिया को 40 मिनट इन्होंने वहां पे रगड़ा दिया। इंडिया जो है वो भी आगे से बड़ी टफ लैंग्वेज यूज की है। मैंने इंडिया के वो जो स्पोक्स पर्सन की लैंग्वेज पढ़ी है, बड़ी टफ लैंग्वेज है। ऑल्सो अगर हम लोग बात करें एसजे शंकर की, तो जिस पब्लिक प्लेटफॉर्म पर वो हमें नजर आए हैं इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए, वहां पर उन्होंने बताया है कि आई एम फॉरेन मिनिस्टर फॉर अ रीजन। पाकिस्तान को तो सारे दबा दबू लेते हैं। हम जो भी काम कर रहे होते हैं उसमें पहले अमेरिका को हमें विलिंगनेस देखनी पड़ती है। अगर वो हमें मिल जाए तो हम दूसरी तरफ जाते हैं, तो हम तो दरमियान में सैंडविच बन के रह गए हैं। पेट्रोल 50 रुपए लीटर तक महंगा करो, आईएमएफ की नई। मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इन दिल्ली समन द यूएस एक्टिंग डेप्यूटी चीफ ऑफ मिशन ग्लोरिया बर्बेना टुडे। द मीटिंग लास्टेड अप्रोक्सिमेटली 40 मिनट्स। नाउ दिस कम्स अ डे आफ्टर द यूएस कमेंट्स ऑन अरविंद केजरीवाल्स अरेस्ट वेंट पब्लिक। द यूएस कॉल फॉर अ फेयर एंड ट्रांसपेरेंट लीगल प्रोसेस टू फॉलो द अरेस्ट ऑफ दिल्ली चीफ मिनिस्टर। अमेरिका खुद को दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर समझता है, लेकिन भारत ने अमेरिका को उसकी सही जगह दिखाई और बताया कि भारत के आंतरिक मामलों में उसे हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। दरअसल दिल्ली शराब नीति घोटाले मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर अमेरिका ने बयानबाजी कर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। ये सारा उधर हकीकत इस बेसिकली टू फ्लेक्स द मसल। इंडिया ने जो जिस तरीके से डायरेक्ट वार्न किया है यूएस को, क्या पाकिस्तान इस पोजीशन पे है कि अगर पाकिस्तान में कोई इस तरह का वाकया होता है, कोई ऐसी सिचुएशन होती है, तो पाकिस्तान भी सुपर कंट्री सुपर पावर। हुकूमत को मुतालिबात का पलंदा थमा दिया। वेस्टर्न सिविलाइजेशन को पुरानी आते हैं, इनकी बीड़ी आते हैं पुरानी के समझना कि वी आर बेटर देन एवरीबॉडी, आवर सिस्टम इज वर्किंग बेटर देन एवरीबॉडी एल्स। पुरानी आते हैं कि खराब हैं। और दूसरा, मैं हमेशा ये कहता हूं कि भारत की इनको 8.4% ग्रोथ भी इनकी आंखों में इनको हजम नहीं हो रही है। दूसरी चीज ये, इंडिया की इकोनॉमी जो है वो ट्रिलियंस इकोनॉमी है, वो क्यों किसी की सुनेंगे? उनको जब किसी से लेके नहीं खाना, कहते मैं तुमसे लेके नहीं खाता, मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं? मैं बहुत खुश हूं कि इन्होंने आपके भारत की इंटरनल अफेयर मिनिस्ट्री ने इसको बुला के 40 मिनट उसको जवाब दिया है। और खासकर जो मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से तीन आगे से उन्होंने जवाब। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर जर्मनी और अमेरिका को बयानबाजी महंगी पड़ गई है। और यकीनन जिस तरह से भारत आगे गया है हर चीज में, खासतौर पे पाकिस्तानी तो इकोनॉमी बहुत देखते हैं उनकी, तो वो देखकर और हर जगह उनके सीओज जो लगे हुए पूरी दुनिया में, वो देख के यकीनन पाकिस्तान को कुछ ना कुछ सीखने की जरूरत है। लेकिन लगता यह है कि 10 साल बाद जो फॉरेन पॉलिसी है। नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर सियासत गरमा गई है। सारे राजनीतिक दल और विपक्षी नेताओं के रोज बयान सामने आ रहे हैं। अमेरिका के विदेश विभाग में भी केजरीवाल की गिरफ्तारी पर बयान दिया है। भारत ने अमेरिका के विदेशी विभाग की टिप्पणी पर कड़ा एतराज जताया है। विदेश मंत्रालय ने भारत में अमेरिका की उपराजदूत बर्बेना को तलब किया है। भारत ने यह स्पष्ट शब्दों में कहा है कि भारत किसी भी देश से अपने यहाँ की न्यायिक प्रक्रिया पर टिप्पणी नहीं करने देगा। भारत के आंतरिक मामलों में दखल देना उचित नहीं है। अमेरिका विदेशी विभाग ने कहा था कि उनकी पूरे मामले पर नज़र है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी कैसे हुई। भारत की कड़ी आपत्ति जताने के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत अमेरिका की किसी भी टिप्पणी का कड़ा विरोध करता है। अमेरिका को दूसरे देशों के आंतरिक मामलों का सम्मान करना चाहिए। भारत में लोकतंत्र है, भारत की न्यायिक प्रक्रिया है जिसका पालन करना होता है। अमेरिका गलत उदाहरण पेश ना करे। इस मामले में अमेरिकी राजदूत को समन किया गया और एतराज भी जताया गया। इससे पहले आपको याद होगा कि जब ये सिख इशू हुआ था, सिखों के हवाले से जो इशू हुआ था, तब समन किया था जब सैन फ्रांसिस्को में जब हमले हुए थे। और अभी जो है, जो मैथ्यू मिलर हैं, उन्होंने जो क्रिटिसाइज़ किया है इंडिया के डोमेस्टिक जो प्रोसेसेस हैं उसके हवाले से, डॉक्टर साहब ये इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये हालात ख़राब क्यों हो रहे हैं? क्यों बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन इस मौके पे आ गई है? पाकिस्तान को तो सारे दबा दबू लेते हैं, पाकिस्तान भी जवाब दे लेता है,
और साढ़े पंजाबी कहते हैं 19वीं कर लेता है। इंडिया जो है वो भी आगे से बड़ी टफ लैंग्वेज यूज़ की है। मैंने इंडिया के वो जो स्पोक्स पर्सन की लैंग्वेज पढ़ी है, बड़ी टफ लैंग्वेज है। कैसे देखते हैं आप चीज़ों को? चीमा साहब, ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन को पुरानी आते हैं, इनकी बीड़ी आते हैं पुरानी के समझना कि वी आर बेटर देन एवरीबडी, आर सिस्टम इज वर्किंग बेटर देन एवरीबडी एल्स, पुरानी आते हैं इनकी खराब है। और दूसरा, मैं हमेशा ये कहता हूं कि भारत की इनको 8.4% ग्रोथ भी इनकी आंखों में इनको हजम नहीं हो रही है। दूसरी चीज ये, मैं इस पे बिल्कुल, मैं बड़ा खुश हूं आज के इन्होंने 40 मिनट बुला के ग्लोरिया बर्बेनिया को 40 मिनट इन्होंने वहां पे रगड़ा दिया। मैं बड़ा खुश हूं इस बात पे। और ये दूसरी दफा, बल्कि दो वाकयात हो चुके हैं, मैं बताना चाहूंगा। पहले जर्मनी ने इसके ऊपर कहा था, और एक केजरीवाल के हवाले से दो वाकयात हो चुके हैं जिस पे मुझे आप इजाजत दें मैं बोलना चाहूंगा। एक तो इन्होंने, जर्मनी ने केजरीवाल के ऊपर भी एक हफ्ता पहले कहा था, उनको भी डिमार्श किया गया है। उन्होंने कहा था कि हमारी ख्वाहिश है कि जुडिशियल सिस्टम वहां काम करे, हम वी आर वॉचिंग इट और सारा कुछ। भाई हाउ डेयर यू टेल दैट? और केजरी साहब के पास बेहतरीन वकील है, उनके उनको हासिल है, जुडिशियल प्रोसेस अपना टाइम ले रहा है, और अगर वो करप्शन में इन्वॉल्व है, दिस इज देयर इंटरनल मैटर, हु यू आर टू बिगिन विद टू पोक थिंग्स। अगर हमें याद हो कि भारत ने एक दफा इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश की थी उनके सहराई बॉर्डर पे, लेकिन चाइना ने भी उनको मौकी दी थी। इंडियन सिख सोल्जर्स की ताई, बल्कि पाकिस्तान तो चाइना को सपोर्ट किसी भी तरह नहीं कर सकती है, चाइना ही हमें सपोर्ट करते हैं। हमारे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, सी पैक हो गया, जिस तरह के भी प्रोजेक्ट हैं, वो ज़्यादा चाइना कर रही हैं। चाइना ही हमें गुलाम बना सकता है, हम तो नहीं उनको बना सकते, हम नहीं गुलाम बना सकते। और क्योंकि हमारा शुरू से माइंड सेट वही है, जब हम अलहदा हुए थे तो हम सबको ये इंडिया दुश्मन था, तो आज तक हम यही समझते हैं कि इंडिया दुश्मन है। और उस टाइम पर क्योंकि चाइना ने हमें थोड़ा सपोर्ट किया था, तो वो आज तक हमारा दोस्त है। बेशक वो जो मर्जी कर ले, हमारी बुक्स में भी चाइना के खिलाफ कुछ, पाकिस्तान बना था तो चाइना ने कैसे सपोर्ट किया था हमें? नहीं किया था चाइना, उसके बाद आजाद हुआ था चाइना 1949। श्री सही पढ़ा रहे हैं, इंडिया पढ़ा रहे हैं, इंडिया ने हमारे साथ गलत किया हुआ है, हम उसका ही बदला ले रहे हैं। मतलब कि बदला क्या है? मतलब कि हमारे मुसलमानों को मारा है, हमारे कब्जा कर लिया, हमारे कश्मीर को आज़ाद नहीं कर रहे, हमारे बहुत बहुत बड़ा जुल्म है। मतलब कि कश्मीर मुसलमान मरे थे अनगिनत। अगर हम बात करें इंडिया और चाइना के, वो दोनों बहुत बड़ी कंट्रीज़ हैं, उनकी जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो उनकी बेसिकली दुनिया के सामने जो उनकी सब वो है, इमेज है, वो बहुत बड़ी है। तो चाइना उनके सामने कहीं पे भी, पाकिस्तान बेसिकली उनके सामने कहीं पे भी लाए नहीं कर रहा है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे यूट्यूब चैनल पर ऐसे ही पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो और पाकिस्तानी लोगों का रिएक्शन वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को, सोशल मीडिया रिएक्शन को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।